हेलो बच्चों, तो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर लेके आ गए और आज हम एक नया पूरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, जो कि है हमारी हीट। बच्चों, अभी तक आप मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, फोर्स, मोमेंटम, कोलिजन, वर्क, पार, एनर्जी या फ्लूइड के अंदर भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। आज जो बच्चों टॉपिक स्टार्ट हुआ है हीट, पहले तो ये आपका जेई मेंस हो गया या नीट हो गया उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल एक यूनिट है। और दूसरी बात ये है कि ये काफी इजी भी है, इसमें मैकेनिक्स वाले कंसेप्ट नहीं लगेंगे, इंटायरली न्यू कंसेप्ट है, पूरी तरह से नए कंसेप्ट है और बहुत इजी है टू ग्रास्प। ये पूरा हीट दो चैप्टर्स में बटा रहेगा, पहला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सेकेंड चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेरा नाम अलख पांडे और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कई बच्चे परेशान हैं कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो गई, सो बच्चों डेफिनेटली देर आर सम प्रॉब्लम्स, अब वो सॉल्व हो गई हैं, तब आप रिलैक्स हो जाएं प्रॉब्लम्स को लेके, उधर आइसोमेरिज्म कंटिन्यू रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, तो आज बच्चों सबसे पहले चीज जो आपको मैं बताऊंगा बच्चों वो होगी हीट एंड टेम्परेचर। बच्चों नोट्स निकाल लें, पेन निकाल लें, हैबिट मत छोड़ें, नोट्स और पेन की हैबिट ना छोड़ें। हीट एंड टेम्परेचर बच्चों मैं आपसे आज पूछूं हीट क्या है, आप बोलोगे सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कहेंगे चलो भैया ये तो हमको भी पता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों मैं बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछने वाला हूं कि हीट की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट जूल। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। तो क्या वर्क और हीट में कुछ डिफरेंस है? अगर डिफरेंस नहीं है तो दो नाम क्यों दिया अलग अलग? बच्चों हीट और वर्क दोनों ही बच्चों वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर का, वर्क एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर का। समझ में आया? अब डिफरेंस क्या है? वर्क एक मैकेनिकल तरीका है, मैकेनिकल मतलब जिसमें फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जिसमें मैकेनिक्स हो, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। अभी तक हमें किसी बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो हम उस पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करते थे, उसकी स्पीड को बढ़ाते थे, इस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी वर्क करने से। वर्क एनर्जी थ्योरम, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो वर्क डन से है। दूसरा वे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का हीट है, इसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल, मतलब बिना फोर्स लगाए, बिना हाथ लगाए, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी भैया हीट क्या है? हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो भी कैसा? नॉन मैकेनिकल, बिना हाथ लगाए, बिना फोर्स लगाए। चलिए सर ये समझ में आया। अब बच्चों हीट को समझने के लिए ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है टेम्परेचर? क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज टेम्परेचर। पर बेसिकली टेम्परेचर है बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। में बल्कि यहां से काइनेटिक वर्ड भी एलिमिनेट कर दूं, आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, अभी यहां हम सॉलिड, लिक्विड, गैस सब की बात कर रहे हैं। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अगेन आई रिपीट, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज टेम्परेचर। अभी मैंने रिकवर किया तो डेफिनेटली फॉर्म से थोड़ा आउट हूं, एक दो दिन लगेगा। सो टेम्परेचर इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है।
मान लो आपको एनर्जी पर मॉलिक्यूल को बढ़ाना है। मान लो मेरे पास यहां एक डिब्बा है जिसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स रखने हैं और मुझे हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूं, मैं इसको हीट दे दूं, मैं इसको हीट दे दूं, एनर्जी दे दूंगा, एनर्जी पर मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी। मतलब हीट के ट्रांसफर से टेम्परेचर चेंज होता है, वर्क से भी होता है। जरा इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास दो डिब्बे हैं और फील आएगा, फील फिजिक्स में चाहिए क्या, फील। दो डिब्बे हैं ए और बी, मान लो ए वाले डिब्बे का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, बी वाले का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। मान लो इसमें जो मॉलिक्यूल है वो ये है दो, मान लो इसके जो मॉलिक्यूल है ये है, ये बताओ कौन से मॉलिक्यूल ज्यादा तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। सबको समझ में आ रहा होगा ए वाले, भाई टेम्परेचर ज्यादा है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जुम 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 टर टिंग डिंग 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 डिंग, और ये टी 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 है ना, टी 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 आराम आराम से वाइब्रेट कर रहे होंगे, टी टी, और ये जुम 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 वाइब्रेट करेंगे। जब मैं दोनों बॉडी को बच्चों कॉन्टैक्ट में रखूंगा तो कौन से मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, ये वाले ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, जब ये आके इनसे कोलाइड करेंगे बगल में धड़ूं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ इसी को हम हीट बोलते हैं। हीट फील हो गई, हीट फील हो गई कि नहीं, दो बॉडी है ए और बी, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसके मॉलिक्यूल जुम 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 कस के वाइब्रेट कर रहे, इसके मॉलिक्यूल जुम 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 धीमे धीमे वाइब्रेट कर रहे, दोनों को साथ में रखा जुम 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 धुम लड़े, तो एनर्जी यहां से यहां जाएगी ना। जब यहां से इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट तभी ट्रांसफर होगी व्हेन देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। बोलो, जब दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तभी तो इनके वाइब्रेशन की स्पीड अलग होगी। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता, दोनों बराबर से वाइब्रेट करते, लड़ते, अपने अपने बॉक्स में वापस चले जाते और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं। यानी हीट के लिए ये नेसेसरी है दैट देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये सब आपने पढ़ रखा है, बेसिक है। मैं आपको इसका फील देने की कोशिश कर रहा था कि ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए डिफरेंस इन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होगा और जिसकी वजह से हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अब हीट फील हो गया, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये जुम 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 धुम जो ये एनर्जी ट्रांसफर था इसको हीट बोलते हैं। एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच। चलिए बच्चों, आपको मैंने ये एक फील दिया हीट और टेम्परेचर का। अब ये जो स्टडी ऑफ टेम्परेचर है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये जो पूरी कहानी है इसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री सब आसान आसान टॉपिक है, थर्मोमेट्री आज तो सब इजी इजी चीजें मिलेंगी। अभी हीट आगे बढ़ेगा, कंडक्शन रेडिएशन आएगा, तब इस टॉपिक में मजा आने वाला। थर्मोमेट्री बच्चों, थर्मोमेट्री वो ब्रांच है विच डील्स विद मेजर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्टडी पूरी थर्मोमेट्री। तो आपको पता होगा टेम्परेचर की डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, सुन रखा होगा आपने सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल, ये तीनों तो सुनी होगी। आज हम आपको टेम्परेचर की किसी भी स्केल को डील करने का तरीका सिखाएंगे, किसी भी स्केल को, है ना। वो अपन ने पढ़ा है कि सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, फारेनहाइट से केल्विन में, सेल्सियस से केल्विन में, तो फॉर्मूले याद किए हैं, ठीक है। मैं आज आपसे बोल दूं मेरे पास कोई एक नई स्केल है, पीडब्ल्यू स्केल, फिजिक्स वाला स्केल, अपने पास एक नई स्केल है और उस स्केल में मैं आपको बता दूं ऐसा है वैसा है, फिर बोलूं बताओ 20 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का तरीका मैं सिखाता हूं बच्चों। टेम्परेचर के लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने दो रेफरेंस पॉइंट उठाए, ठीक है, दो रेफरेंस पॉइंट उठा लिए हमने। एक रेफरेंस पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ आइस,
जिसको इन्होंने आइस पॉइंट भी बोला, और एक रेफरेंस पॉइंट है बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिनको इन्होंने स्टीम पॉइंट बोला। स्टीम पॉइंट, ये दोनों रेफरेंस पॉइंट उठा लिए, ठीक। अब जब सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस बोलता है कि यहां पे कितनी वैल्यू मान लेते हैं, जीरो, यहां कितनी मान लेते हैं, 100 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मान लिया, सिर्फ जीरो से 100 के बीच में वाटर आइस से बॉइलिंग हो गया। अच्छा, यहीं पे फ़ारेनहाइट स्केल की बच्चों बात करें तो फ़ारेनहाइट ने बोला कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो हमारा आइस पॉइंट है, वो 32 फ़ारेनहाइट पे है और बॉइलिंग ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट पे है। अब ये डिफर कर रहे हैं इनसे, अपनी स्केल बना दी इन्होंने, इन्होंने अपनी स्केल बना दी। केल्विन ने अपनी अलग कहानी बता रखी है, उन्होंने बोला भाई साहब ये होगा 273.15 केल्विन और ये पॉइंट है 373.15 केल्विन, ये केल्विन स्केल। अच्छा, ये तीन स्केल हैं जो फेमस हैं, बाकी कुछ भी स्केल बन सकती है, बहुत सी हैं अभी, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्केल फेमस चलती हैं। अच्छा, फिर बात आती है इंटर कन्वर्जन की, कि यहां से यहां कैसे जाएं, यहां से यहां कैसे जाएं। बच्चों मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, ग्राफ से सिखाऊंगा, फॉर्मूला भी फिर बता दूंगा, पहले मैं आपको ग्राफ से बताता हूं तरीका क्या है। चलिए, ये लिख लिया आपने, ओके। तो एक हमारा क्या है, एक हमारा आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट, चलो यहां लिख दे रहा, सब स्केल में दो पॉइंट देखे गए। बच्चों तरीका क्या है कि आप एक ग्राफ बनाओ, फॉर्मूला फिर बता दूंगा, ग्राफ के यहां पे मैंने ले लिया फ़ारेनहाइट, इस तरफ ले लिया सेल्सियस, जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब 32 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, तो यहां पे 32, एक पॉइंट ये हो गया इस ग्राफ का। जब 100 डिग्री सेल्सियस है, जब 100 डिग्री सेल्सियस है तब 212 फ़ारेनहाइट है, 212 फ़ारेनहाइट है, ये दो पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। जीरो पे 32, 100 पे 212 फ़ारेनहाइट। अब मुझसे बोलता है कि फॉर अ गिवन सी, किसी भी गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, जब सेल्सियस 20 है तो कितना फ़ारेनहाइट सेल्सियस, फॉर्मूला है आपके पास, मैं दिखा रहा हूं कैसे आया वो। चलिए इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, मान लीजिए रैंडमली मैंने ग्राफ पे यहां एक पॉइंट ले लिया जो एक्स एक्सिस पे सी डिस्टेंस आगे है और वाई एक्सिस पे एफ डिस्टेंस ऊपर है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया सी कॉमा एफ, बोलो सही है, एक्स में हम सी आगे आए और वाई में एफ ऊपर गए, मतलब सेल्सियस में उसका टेम्परेचर सी है, फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर एफ है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे सेल्सियस में कितना है, 0, फ़ारेनहाइट में 32, सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212, यहां सेल्सियस में सी, फ़ारेनहाइट में एफ, क्लियर हुआ। अब ये एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल देखो ध्यान से, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला, क्लियर हो रहा है। यहां मैंने पॉइंट लिया सेल्सियस में टेम्परेचर सी, फ़ारेनहाइट में एफ, सी कॉमा एफ, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड, लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन पूरी बड़े ट्रायंगल की बेस। चलिए तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी अपनी, ये लेंथ अपनी कितनी होगी, f माइनस 32, सो f माइनस 32 डिवाइड बाई, ये लेंथ कितनी होगी बच्चों अपनी, 212 माइनस 32, तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू ये अपॉन ये कर लिया, ये लेंथ कितनी होगी 212 माइनस 32, ये इस तरह से ये अपॉन ये इज दिस अपॉन होल, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा c माइनस 0 अपॉन पूरा 100 माइनस 0,
फील आ गया, समझ में आ गया कैसे किया है, कोई चीटिंग कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं, सिंपल मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा एफ, मैंने कहा ये पॉइंट सी ये पॉइंट एफ, मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल छोटा वाला बड़ा वाला सिमिलर, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये वैल्यू हो गई एफ माइनस 32, ये वैल्यू हो गई 212 माइनस 32, ये वैल्यू हो गई सी माइनस 0 और ये वैल्यू हो गई 100 माइनस 0। यहां से आप देखोगे तो आपको वो रिलेशन मिल जाएगा, कौन सा जो अपना रिलेशन आता है सी बाई फाइव वाला, देखो ये हो गया 180 ये हो गया 100, सो व्हाट यू गेट एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 2 5 18, तो शायद ये एक्सप्रेशन सबने सुन रखा हो, हा क्या एक्सप्रेशन है सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9, ठीक है, इस इक्वेशन से आप सेल्सियस और फेरनहाइट को रिलेट कर सकते हो, यहां 100 यहां 180 आएगा, ये सी बाय 00 कट गया 2 5 2 9 18, सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। अच्छा ये चीज केल्विन में करनी हो तो सर कैसे करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या, देखो ध्यान से जिस भी स्केल में हो उस स्केल की रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस पॉइंट, जिस भी स्केल में हो उसकी रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस पॉइंट, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है, ये जो टर्म होता है ना ये किसी भी स्केल का कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या मैं इसको मिटा लूं, आपने नोट कर लिया है क्या ग्राफ, आपने नोट कर लिया है ग्राफ की जो अप्रोच मैंने बताई, बहुत बढ़िया, तो उसको मैं मिटा देता हूं, बहुत बढ़िया, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूं किसी भी स्केल के लिए, किसी भी स्केल के लिए आप क्या करना कि स्केल की जो रीडिंग है सेल्सियस है तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट में, माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉरी स्टीम पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो भी बोल लो अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो टर्म होगा ये किसी भी स्केल का कांस्टेंट होगा, किसी भी स्केल का ये टर्म कांस्टेंट होगा, मैं जरा इसको मिटा रहा हूं। अब मैं इन तीनों के लिए एक कॉमन एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, सी एफ यहां पे मान लिया टेम्परेचर केल्विन में के सी एफ के, अब हम इसको यूज करेंगे फॉर ऑल दीज स्केल, ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, तो हम यूज करने जा रहे हैं यहां पे हम लिखेंगे सी माइनस आइस पॉइंट 0 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, वहां आ गए रीडिंग, रीडिंग क्या है एफ माइनस आइस पॉइंट 32 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू केल्विन में गए के माइनस आइस पॉइंट 273.15 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये अगर आपने करना सीख लिया तो दुनिया की किसी भी दो स्केल को आप कंपेयर कर सकते हो, किसी भी दो टेम्परेचर स्केल को आप इजिली कंपेयर कर सकते हो, क्लियर हुआ क्लियर हुआ, अब जो रिलेशन चाहो आप बना सकते हो, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मैंने बना दिया, सेल्सियस केल्विन का बनाना है सी बटे 100 इज इक्वल्स टू के माइनस 273.15 बटे ये टर्म भी 100, 100 से 100 मर गया, केल्विन इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15, वेल नोन बातें ये आपको पता था, ये तो आप भी कर लेते, सेल्सियस में 273 जोड़ के केल्विन आ जाता है, बहुत क्लियर क्लियर एकदम, अगर आप ये समझ गए हो क्या रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी स्केल, तो आप कोई भी रिलेशन इनका आपस में बना सकते हो। चलिए पहले मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, फिर एक अच्छा सवाल दिखाता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अपने पास, कन्वर्ट बहुत हल्का, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन
केल्विन एंड फारेनहाइट हलवा। तो जो रीडिंग है 27 माइनस आइस पॉइंट जीरो अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू किस में जाना है फारेनहाइट में, रीडिंग को एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 खत्म। अब यहां से जो भी एफ की वैल्यू है आपको मिल जाएगी, जो भी एफ की वैल्यू है यू विल गेट। क्लियर हो रहा है? मान लो केल्विन में बोलता तो हम बोलते 27 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, केल्विन में के मान लिया माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15, जो भी केल्विन में आंसर है यू कैन गेट। वो आपको समझ में आता है कि सर इसका आंसर ये है के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15 कर लो। ये आपको पता है लास्ट में रिड्यूस होगा सी बाई 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 कर लो। अगर आपको याद है दोनों एक्सप्रेशन तो वेल एंड गुड, तरीका मैं बता रहा हूं क्या यूज किया है। क्लियर हुआ है? अच्छा अब इस कंसेप्ट को देख के मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जरा उसको करिएगा। फॉर र्यूमर्स स्केल, मैं आपके सामने एक नई स्केल लेके आया, र्यूमर्स स्केल आइस पॉइंट इज 0°R एंड स्टीम पॉइंट इज 80°R, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20°C इन टर्म्स ऑफ डिग्री आर। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी, मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं 24°R, 14°R, 16°R, 28°R। ट्राई करें। अब फारेनहाइट केल्विन तो आपको क्लियर हो गए फॉर्मुलेस, कोई भी नई स्केल दे तो उसको कैसे डील करेंगे? चलिए बच्चों करके दिखाएंगे सभी लोग। ओके सो हमें करना क्या है, खुटुक खुटुक खुटुक, 0°C, 100°C, सही है? र्यूमर्स स्केल, फेमस स्केल है ये भी, 0°R, 80°R, ठीक है? यहां पे एक पॉइंट हो गया C, यहां पॉइंट हो गया R। हमें क्या करना है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट C माइनस 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग जो कि है R, C को मैंने माना R के बराबर आएगा, माइनस 0, 0 क्यों, क्योंकि आइस पॉइंट बताया है 0 R, अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। क्लियर? खत्म हो गया और कुछ ही नहीं। C की वैल्यू दे रखी है 20°C, तो 20 अपॉन ये कितना होगा 100 इज इक्वल्स टू R अपॉन 80, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 5 1s are 5, 5 4s are 20, R is equals to 16°R। आ गया। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद आप दुनिया का कोई भी टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड सवाल आएगा तो उसको बहुत ही इजीली डील कर लेंगे, कर लेंगे बच्चों। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? और भी स्केल आपको दे सकता है कि भाई उसका पॉइंट यहां है पॉइंट वहां है, आप बस ये जो लॉजिक ट्रिक ये जो भी चीज मैंने आपको बताई आप इसको ध्यान में रखोगे। एक बच्चों बात और होती है, सेल्सियस फारेनहाइट का कन्वर्जन तो इंपॉर्टेंट था ही, मैंने आपको बहुत सिंपली फॉर्मूले भी लास्ट में याद करवाए, सी बाई 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 और के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15, बाकी तो भगवान भरोसे जो स्केल वो दे दे। एक और बड़ा सही सवाल आता है कि इफ, मतलब इसे बहुत सिंपल है, इज चेंज्ड, बहुत बेसिक लेवल के हैं, फ्रॉम 30°C टू 60°C फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन केल्विन स्केल एंड फारेनहाइट
स्केल। चलिए जरा ये ट्राई करिए, दोनों स्केल में आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। लाइट की कुछ प्रॉब्लम मालूम पड़ती है आज, अगले वीडियो तक इंप्रूव करेंगे। चलिए हाँ, तो बच्चों देखो, अगर मैं केल्विन में बात करूं तो बहुत आसान है, ध्यान देना, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात करूं 273.15 केल्विन 373.15 केल्विन। आप देखो जब टेम्परेचर 0 से 100 बढ़ा, मतलब कितना चेंज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ। तो यहां पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 273 से 373, यानी 100 केल्विन का भी चेंज हुआ। यानी इस समय एक बात समझ में आती है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब चेंज होता है तब 100 केल्विन चेंज, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल्स टू 1 केल्विन चेंज, बराबर से चेंज हो रहा। तो यहां टेम्परेचर 30 से 60 मतलब 30 डिग्री चेंज हुआ, तो 30 डिग्री चेंज इज इक्वल्स टू 30 केल्विन चेंज। तो डेल्टा टी की वैल्यू केल्विन स्केल में हमको मिल गई 30 केल्विन। अब बात आई फ़ारेनहाइट स्केल की। अब यहां ये नहीं निकालना, ये फॉर्मूला मत यूज करना, यहां चेंज की बात की है, इस फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। अब फ़ारेनहाइट स्केल की बात आई, यहां पे आप फ़ारेनहाइट लिखोगे तो दो वैल्यूज तो आपको बच्चों याद होनी चाहिए हमेशा, 32 फ़ारेनहाइट 212 फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर यहां 100 चेंज होता है तब यहां टेम्परेचर 2 - 2 0, 11 - 3 8, 180 फ़ारेनहाइट चेंज होता है, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज बराबर नहीं है, सेल्सियस और केल्विन में चेंज बराबर है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चेंज हो या 20 केल्विन चेंज हो, सेम बात है। मैं नहीं कह रहा 20 डिग्री सेल्सियस 20 केल्विन के बराबर है, चेंज की बात हो रही है, चेंज की। फ़ारेनहाइट में क्या है, यहां कहानी अलग चल रही है। फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल्स टू 180 फ़ारेनहाइट चेंज, मतलब हम शॉर्ट में बात करें तो यहां से 100 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल्स टू 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 चेंज होगा। यहां नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच, यहां जब 100 बढ़ता है तो 180, तो यहां जब 1 बढ़ता है तो यहां 1.8 बढ़ाना पड़ता है। तो यहां टेम्परेचर मेरा 30 बढ़ रहा, 1 के लिए 1.8, सो फॉर 30 डिग्री सेल्सियस चेंज यहां चेंज होगा 1.8 × 30 फ़ारेनहाइट। यहां डेसिमल हट के 0, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 54। So, फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज होगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो फील हुआ नहीं फील हुआ, 1 के लिए 1.8 तो 30 के लिए 1.8 × 30। तो आपको ये दो फॉर्मूले तो बेसिक तो समझ में आएंगे ही कि C/5 = F - 32/9 K = और एक याद रखिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल्स टू 1 केल्विन चेंज इज इक्वल्स टू 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज। ये चेंज की कहानी। और बाकी इसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी स्केल से कंपैरिजन करना हो, इधर उधर जाना हो, ट्रेवल करना हो, तो तरीका आपको याद है क्या, उस स्केल की जो भी रीडिंग है माइनस क्या कर दो, आइस पॉइंट कर दो, डिवाइड कर दो किससे, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, और ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट फॉर एनी स्केल। कहीं से भी कहीं कंपैरिजन आपको करना हो, कहीं से भी कहीं आपको कन्वर्शन करना हो, इनको नोट कर लीजिए फॉर्मूलेस को। क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे अभी, बहुत ही हलवा। चलिए तो बच्चों इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। और मैं सोच रहा हूं इस वीडियो को मैं छोटा सा रहने दूं हीट और टेम्परेचर की नॉलेज के साथ, और एक नया वीडियो कर देता हूं थर्मल एक्सपेंशन का, उसको भी आज ही रिलीज करता हूं। तो पढ़ाई करते रहें और क्या, ऑल द वेरी बेस्ट।